Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. So, match day. Aaj yani ki 25 August and India versus England. Match number 3. Pehla, India was very, very close to winning the match. Second, India ne sabko मतलब हिला के रख दिया, पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया और मैच जीत लिया. और तीसरा आज हमारे सामने, अब हमारे सामने और आपके सामने है हम लोग. मेरा नाम है राहुल माकिन, मेरे साथ है शिखर वार्ष्णेय एंड वेलकम टू क्रिक बाजी. जी हाँ, तो पहला सवाल, डायरेक्ट सवाल, ये क्या लग रहा है, इंडिया जीतेगी हारेगी? यार देखो, विदाउट फर्दर डिस्कशन, सबसे पहले तो हमें ना पिच के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए. उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि लॉर्ड्स जैसी पिच नहीं है. इस पिच में बहुत ज्यादा सीम है, इस पिच में बहुत ज्यादा स्विंग है. तो यहाँ पर ऑफकोर्स इंडिया अपने उसी फॉर्मेट के साथ खेलेगा, जहां पे चार फास्ट बॉलर्स तो डेफिनेटली खिलाएंगे. अब इंग्लैंड की तरफ से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इंग्लैंड की तरफ से परेशानी हो सकती है, पर मौसम की तरफ से शायद से परेशानी ना हो, क्योंकि जो वेदर प्रेडिक्शन है वो ये कह रहा है कि अगले 5 दिन बहुत ज्यादा बारिश तो नहीं होगी. बाकी हमें पता ही है कि इंग्लैंड में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती रहती है, तो उतना तो मैनेजेबल है कि उतने ओवर नहीं कटेंगे. इंग्लैंड की टीम में 2 मेजर चेंजेस आए हैं, वो ये कि उन्होंने डॉम सिबली और जेट क्रॉली, इन दोनों को अपनी टीम से बाहर कर दिया है, और उसके लिए डेविड मरान को दे दिया है. और एक किसे और दिया है भाई, एक और चेंज है जो बिल्कुल मतलब एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड था एक्चुअली. मार्क वुड जो कि खेलते खेलते इंजर्ड हो गए थे, तो वो उनका खेलना मुश्किल है. तो अब मार्क वुड की जगह कौन आएंगे फास्ट बॉलर, बिकॉज ऑब्वियसली इंग्लैंड की ये जो पिच है जहाँ पे आज मैच हो रहा है, लीड्स है ना, तो यहाँ पे एक चीज है कि आप 2 स्पिनर्स को तो खिला ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता. एक स्पिनर भी मतलब अगर इंग्लैंड खिलाता है तो, क्योंकि मोइन अली ने बहुत अच्छा तो लास्ट टाइम कुछ किया नहीं, परफॉर्म किया भी नहीं, बैटिंग में भी नहीं करता. तो अब ये चीज है कि आप मार्क वुड को अगर निकल ही गए हैं ऑलमोस्ट, तो अगर मार्क वुड नहीं खेलेंगे, वो नहीं खेलेंगे, उसकी जगह किसको खिलाएंगे? क्या साकिब महमूद को दिया जाएगा चांस? दिया जाएगा साकिब महमूद को, दे सकते हैं चांस, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है स्टुअर्ट ब्रॉड भी पूरे टेस्ट सीरीज से बाहर है, तो क्योंकि वो भी इंजर्ड है. तो अब इंग्लैंड बस अपना बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ढूंढ रही है. बेस्ट पॉसिबल क्या मतलब, कोई कॉम्बिनेशन जिसमें 4 फास्ट बॉलर्स हो. तो अगर आप 4 फास्ट बॉलर सोचते हैं कि वो कौन से होंगे, एक जेम्स एंडरसन जो पक्का है, दूसरे ओली रॉबिन्सन, ये पक्का है, ये दोनों खेले. उसके बाद सैम करन एक ऑलराउंडर ऑप्शन है, तो उनके लिए फास्ट बॉलर का तो वो तो बेचारा, वो लास्ट मैच में देखो दोनों टाइम में 0 में आउट हो गया, तो और वो भी गोल्डन डक. उसके बाद एक साकिब महमूद जो हमें लग रहा है कि जो मार्कवुड को रिप्लेस करेंगे शायद, अब यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन इंग्लैंड के पास है नहीं है इस समय तो, फिलहाल नहीं है. तो अब ये तो रहा बोलिंग, अब बोलिंग डिपार्टमेंट इंग्लैंड का, यहाँ थोड़ी सी व्यवस्था चरमराई हुई है इंग्लैंड की, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है. बैटिंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमें लग रहा है 2 मैच देख के, कि सिर्फ जो रूट है जिनके कंधों पे पूरी इंग्लैंड चल रही है अभी तक, जो रूट और हल्का सा बेस्ट्रॉ में हल्की सी स्पार्क दिखाई देती है कि वो थोड़ा सा स्टार्ट दे, आप नहीं बन पा रही है ना, तो वो स्टार्ट दे जाता है, बट फिर कुछ ना कुछ करके वो बेचारा निकल जाता है, जल्दी आउट हो जाता है, यही प्रॉब्लम हो रही है. स्टार्ट दे रहा है बट उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है. हाँ, तो अब उन लोगों के पास डेविड मलान है, डेविड मलान, ये एक नया एडिशन उन्होंने किया है, और ये हो सकता है कि इंग्लैंड के पक्ष में हो जाए. क्यों? क्योंकि मैं, एक सवाल है मेरा, डेविड मलान को हमने देखा है एज अ T20 प्लेयर, T20 बैट्समैन, बिल्कुल. तो क्या लग रहा है कि अब जब वो टेस्ट में आएंगे तो वो उसी अप्रोच के साथ जाएंगे T20? बिल्कुल यार, वो चेंज नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जैसे ऋषभ पंत खेलते हैं वो भी टेस्ट में T20 की तरह खेलते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें फॉर्मेट चेंज होने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इनफैक्ट उन्हें अगर एज अ ओपनर भेजते हैं तो उन्हें ऐसे ही बोला जाएगा कि आप बस दबा के खेलो और नई बॉल को पुराना खेलो, और अगर खेल गए अच्छा. अब फायदा ये है कि डेविड मलान अगर यहाँ पे खेल रहे हैं, यहाँ पे बॉल स्पिन नहीं होती है, और वो हमेशा स्पिन के अगेंस्ट ही फंसते हैं, तो इंडिया में वो नहीं चल पाए, इसकी सबसे बड़ा रीजन ये था कि स्पिनर्स बहुत अच्छे थे, तो उन्हें हर बार स्पिनर आउट करता है. तो यहाँ पे इंडिया के पास स्पिनर ही एक है अब, या तो जडेजा या अश्विन, दोनों में से एक खेलेगा, एक है, और जडेजा भी विकेट नहीं ले पा रहा यार, जडेजा भी बैटिंग तो यहाँ पे डेविड मलान का चांसेस हैं कि वो परफॉर्म
कर पा सकते हैं क्योंकि ये जो पिच है उनके फ्रेंडली है। पर अब थोड़ा सा हम इंग्लैंड से हटके इंडिया की तरफ आते हैं। अपने पास दिक्कत थी कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे नहीं चल पा रहे थे, बट पिछले मैच में जो रेजिस्टेंस उन्होंने दिखाया है कि जो उन्होंने वो भी स्पार्क दिखाई दी है, वो स्पार्क हमें दिखी है। पर हाँ, हमें ये तो पता चल गया कि यार अगर मैच बचाना हो तो हमारे बैट्समैन रोक सकते हैं विकेट पे। देखो यार, एक चीज तो है कि अब रहाणे बिकॉज ही इज द वाइस कैप्टन उसको तो नहीं निकालेंगे, बट बहुत सारे लोग इस चीज को लेके बयान दे रहे हैं। जैसे फारूक इंजीनियर ने अभी एक ट्वीट किया था कि उन्होंने कहा था कि अगर हमें किसी को चेंज करना हो तो हमें शायद सूर्य कुमार यादव को लेना चाहिए। वाई बिकॉज सूर्य कुमार यादव या पुजारा में से हम या मतलब क्योंकि अब अगर उनको दोनों को बुलाया गया है, पुजारा को और पृथ्वी शॉ को, तो आप उनमें से किसी को कभी तो चांस दोगे, अभी तीसरे में नहीं दोगे तो चौथे में दोगे। बट बिकॉज यू नो वो वैसे प्लेयर्स हैं जो मैच विनर्स हैं, और ऐसा नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत अच्छा खेला हुआ है, 30 साल की उम्र का बंदा है, एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो ऐसा नहीं है कि उसने रांची में नहीं खेला है, उसने अच्छा खेला है, टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस है, एंड ही इज अ मैच विनर। तो मुझे लगता है कि उसे चांस देना चाहिए, स्पेशली द काइंड ऑफ फॉर्म पुजारा एंड रहाणे आर इन। बहुत अच्छी फॉर्म नहीं है, कल जो पिछले मैच में उनके हल्के से स्पार्क्स दिखाई दिए थे, और पर उससे पहले देखा जाए तो परफॉर्मेंस पर इंडिया का ओपनिंग पेयर वेरी सॉर्टेड, वो तो सॉर्टेड ठीक है। केएल राहुल और रोहित शर्मा, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, उनकी तारीफ तो हम ज्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, चौथे नंबर पर विराट कोहली जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो थोड़ी सी स्पार्क दिखाते हैं, लगता है कि सेंचुरी आएगी इस बार, पर वो सेंचुरी नहीं आ पा रही है, वो मेरे को बहुत कंसर्न है दिल से। पांचवे नंबर पर अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत अच्छी फॉर्म में है। यहाँ पे इसके बाद जो अगला नंबर है वो थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न है, जडेजा वर्सेस अश्विन, बिकॉज नेट्स में हम बॉलिंग करते हुए दोनों को देखा गया हमने, तो आई थिंक चांस देना चाहिए मुझे लगता है कि अश्विन को भी, बिकॉज दो मैचों से उसको बिठा के रखा हुआ है, और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत परफॉर्मिंग एसेट है इंडिया के लिए। तो अगर जडेजा दोनों मैचेस में विकेट्स नहीं ले पाया है तो आई थिंक एक चांस देना चाहिए अश्विन पर। आपको मैं एक बात बताऊं, अश्विन का आपने यूट्यूब चैनल देखा है? हाँ। अश्विन उसमें छोटा सा सेगमेंट करता है पुट्टी स्टोरी करके, अच्छा। वहां पे वो छोटी छोटी बातें बताता है जो मैच में हुआ। तो लॉर्ड्स की विक्ट्री के बाद उसमें काफी सारे ऐसे स्टेटमेंट आए, बुमराह वाला भी बताया, बुमराह वाला भी उसने बताया। उसने ये भी बताया कि जब शमी और बुमराह जब वापस आ रहे थे फील्ड में, तो कोहली ने बोल रहा था कि चलो सब लोग तालियां बजाते हैं उनके, हाँ नीचे चलते हैं। तो अश्विन अगर फील्ड पे आके और परफॉर्म करते हैं तो हमें यूट्यूब पे भी काफी कुछ देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में मैच में क्या कैप्टन साहब सोच रहे हैं और क्या हो रहा है, वो बिहाइंड द सीन्स। तो मुझे लगता है यार कि अश्विन को चांस देना चाहिए, बस ये है कि हमारे पास एक जो रिजर्व बैट्समैन रहता था इन द फॉर्म ऑफ जडेजा वो निकल जाएगा, बिकॉज जडेजा एक ना कुशन दे देते थे कि 50-60 रन वो बना के जाएगा। अश्विन कैन बैट एज वेल, और उसने ओवरसीज परफॉर्म भी किया है, बट नॉट लाइक जडेजा, वो अलग चीज है। और हमारे ये गैम्बल है, अब देखते हैं, मतलब ये 100% चांसेस है, हो सकता है जडेजा ही खेल ले, हो सकता है अश्विन को ले लें, तो कुछ भी हो सकता है। और बाकी चारों प्लेयर्स तो नीचे वाले फास्ट बॉलर वो तो है ही, वो मुझे लगता नहीं चेंज, हम कुछ चेंज करेंगे नहीं। बाकी ये तो सॉर्टेड है जी, ये तो सॉर्टेड है। इंडिया की टीम में ज्यादा चेंजेस आपको अगर एक हल्का सा चेंज दिखा तो वो अश्विन जडेजा में से एक होगा, या फिर मुझे पर्सनली आई वांट कि पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार में से एक को, कोई एक को खिलाया जाए, अगर अभी नहीं तो फिर चौथे टेस्ट मैच में, पर खिलाया जाना चाहिए। अच्छा मैं एक छोटा सा प्रगिन कर दूं कि लॉर्ड्स की विक्ट्री में हमारे साथ अपार शक्ति खुराना थे, और उन्होंने हम लोगों के साथ लॉर्ड्स की विक्ट्री सेलिब्रेट की थी। तो और आप लोगों ने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है ना, तो ये मैच शुरू होने से पहले जरा उस जीत का हैंडओवर एंजॉय कर लो आप लोग, बड़ा मजा आया था कसम से। और अब एक सवाल है हमारा, वो ये कि टेस्ट मैच हम इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं, और उसमें मतलब हर साल साल कुछ ना कुछ बदलता रहता है आईसीसी की तरफ से। ऐसे ही हमने फिर क्रिकबाजी में भी हमने सोचा कि कुछ बदला जाए, कुछ नया लाया जाए। तो आपने DRS तो सुना होगा, हाँ जी, है ना, तो हमने सोचा कि एक नई चीज लेके आते हैं जिसका नाम है दिल्ली रिव्यू सिस्टम, क्योंकि जी दोनों बंदे हैं दिल्ली के, ठीक है, तो हम तो दिल्ली वालों से पूछेंगे कि उन्हें क्या बदलना है और उन्हें क्या चाहिए। तो आज का जो DRS है, DRS में क्वेश्चन पूछा गया है, आप अंपायर्स हैं तो हम प्लेयर्स हैं, हम आपसे ये DRS ले रहे हैं, दिल्ली रिव्यू सिस्टम, कि अगर
टेस्ट मैच के जितने बहुत सारे रूल्स हैं, हमें भी बहुत सारे ऐसे रूल्स लगते हैं कि यार ये रूल ना अच्छा नहीं है, बदल देना चाहिए. तो कौन सा एक ऐसा रूल है जो आपको लगता है कि टेस्ट मैचेस में बदल देना चाहिए? वन रूल विच यू वॉन्ट टू बी चेंज्ड इन नेक्स्ट टेस्ट मैचेस टू फॉलो, तो बताइए. आप हमें बता सकते हैं. मैं आपसे पूछूंगा आपको कौन सा रूल बदलना है. या मेरे को सबसे पहले एक ही रूल बदलना है, ये जो ड्रॉ हो जाता है ना टेस्ट मैच, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है. कभी बारिश आ जाती है तो मैं चाहता हूँ कि अगर पांचवें दिन तक भी अगर मैच का रिजल्ट ना निकले तो आई थिंक उसे सिक्स्थ डे शुड बी केप्ट एज रिजर्व. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पांचवें दिन के बाद अगला टेस्ट मैच अगले दिन ही शुरू हो जाए. तो एक दिन एक्स्ट्रा रखना चाहिए रिजर्व. आजकल वैसे भी मतलब कई बार चार दिन में रिजल्ट निकल आता है, बट अगर नहीं निकले तो एक दिन एक्स्ट्रा रिजर्व रखना चाहिए. मैं थोड़ा सा आपसे मतलब डिफर करूंगा, पर ओपिनियन मेरा सेम है. मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक विकेट बचा है या फिर आपको लगा है कि कुछ 20-40 रन ही बचे हैं जीतने के लिए, तो फिर आप 10 ओवर एक्सटेंड कर दो, 15 ओवर एक्सटेंड कर दो. मेजर मतलब ओपिनियन यही है कि रिजल्ट आ जाए टेस्ट मैच का, क्योंकि अगर 5 दिन लंबा मैच चल रहा है उसके बाद भी रिजल्ट ना आए तो वो काफी बोरिंग हो जाता है. बाकी आप लोग सुनो कि दिल्ली के लोगों ने क्या कहा है ये जो टेस्ट मैच में चेंज करना है एज पर माय कंसर्न, ये जो 5 दिन खेलते हैं ना इसको 4 दिन में खत्म कर देना चाहिए. लोग आजकल 5 दिन बैठ के मैच नहीं देखेंगे, T20 का टाइम है. जिस हिसाब से सारे देशों की टूर्नामेंट ऐसे चल रही है, ऐसी मेरे हिसाब से टेस्ट की भी जो है ड्रेस चेंज होनी चाहिए. जैसे कि T20 की अपनी जो है नई ड्रेस बनी है, वनडे की भी नई, तो मेरे हिसाब से टेस्ट की भी अपनी नई ड्रेस होनी चाहिए. या मेरे अकॉर्डिंग ना सुपर सब वाला एक ऑप्शन आया था जिसमें क्या होता है, तो वनडे में एक प्लेयर स्विच कर सकते हो एज ए 12th प्लेयर खिला सकते हो, एटलीस्ट टेस्ट में होना चाहिए. क्योंकि 5 दिन में कभी कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो पूरी टीम का बिल्कुल मोरल डाउन हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो वो ऑप्शन आना चाहिए, सुपर सब होना चाहिए, 12th प्लेयर होना चाहिए लीगल, एज ए बैट्समैन बॉलर जो खिलाना चाहिए खिला. चलो जी, कुछ ही देर में अब टॉस होने वाला है एंड किस्मत का फैसला होगा कि आज कौन पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी चुनेगा. और फिर पूरे 5 दिन बाद, या हो सकता है अगर इंडिया जल्दी जीत गया है तो फिर 4 दिन बाद हम इंडिया ही जीत रही है. वो तो ये मेरे को समझ में आ गया. तो फिर हम और जल्दी मिलेंगे आपसे. बट अगर आपको हमसे मुलाकात करनी है तो कैसे करनी है? तो ऐसे करनी है जी कि आपको राहुल भाई के इंस्टाग्राम हैंडल पे जाना है @RahulMakin1, और आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आना है @Shikhar_VAR. और आपको हम दोनों के हैंडल पे नहीं जाना है, किसी तीसरे हैंडल पे जाना है. तो आप @HTSmartTrust और @FeverFMOfficial इन दोनों हैंडल्स पे चले जाइए, वहां आके मैसेज करिए, बताइए आपको कुछ अपना ओपिनियन देना है, आपको DRS में फीचर होना है, तो आप अपनी वीडियोस बनाकर भेज दो यार. हम अपने इंस्टाग्राम पे सवाल पूछते रहते हैं आप लोगों से, और बाकी हम लोग क्रिकेटबाजी देखते रहो नए नजरिए से. और थोड़ा सा दुआ करो कि कोहली साहब इस बार टॉस जीते, क्योंकि वो हर बार हार ही जाते हैं. बाय बाय.